हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपका अगर कोई सूट है जिसमें जिसका गला आगे में बना हुआ है, ठीक है, तो उसे आप कैसे बनाएंगे। तो आज मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगी और बहुत ही फिनिशिंग से गला बनाना बताऊंगी, वो भी पेपर पेस्टिंग की हेल्प से, ठीक है। अगर आपके पास बकरम है तो आप बकरम भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आज इस वीडियो में पेपर पेस्टिंग से आपको गला बनाना बताऊँगी, ठीक है। तो ये देखिए, ये मेरा सूट है, इसका गला आगे बना हुआ है जिसमें 3 बटन लगे हुए हैं। तो हमें सिर्फ गोल गला बनाना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना पेपर पेस्टिंग लेंगे। पेपर पेस्टिंग के ऊपर इस तरह से अपने सूट के गले, सूट का पार्ट जो फ्रंट पार्ट है उसे हम रखेंगे। रखने के बाद हम इस तरह से मार्क कर लेंगे, जिस तरह से हमारा गला है उसी तरह से हम पेपर पेस्टिंग पर मार्क करेंगे। अब मार्क करने के बाद हम हटा देंगे अपने सूट को। उसके बाद हम 1 इंच का मार्जिन लेकर ठीक उसी तरह से गोल बढ़ाकर हम बना लेंगे। अब हम इसे कटिंग कर लेंगे। जब हम ऊपर से कटिंग करेंगे, थोड़ा सा हल्का सा डीप करके कटिंग करेंगे, ठीक है। अब हमारा जो एक्स्ट्रा मार्जिन वाला है 1 इंच का, वहाँ से कट करके हम इस तरह से गोल शेप में पेपर पेस्टिंग को निकाल लेंगे। अब हम अलग से एक फैब्रिक लेंगे, सूट से मैचिंग फैब्रिक, उसके ऊपर हम इस तरह से पेपर पेस्टिंग को रखेंगे। रखने के बाद हम साइड से हल्का हल्का 1 इंच का मार्जिन लेकर हम इस तरह से गोल शेप में कपड़े को काट लेंगे। काटने के बाद अब हम क्या करेंगे, कोई भी फैब्रिक ग्लू लेंगे। यहाँ पर मैं फैब्रिक ग्लू ले रही हूँ, पेपर पेस्टिंग के एक साइड लगाना है। लगाने के बाद हम इस तरह से कपड़े पर रखकर इसे प्रेस कर लेंगे। अब हम चलते हैं इसकी सिलाई की ओर। तो चल देखिए, अब इस तरह से हमारा जो एक्स्ट्रा साइड में मार्जिन है उसे हम इस तरह से फोल्ड करते हुए पेपर पेस्टिंग के ऊपर रखकर बीचों बीच सिलाई लगा देंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर करिए और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि ऑल अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते जाए। और अगर आपको क्लास 1 से वीडियो देखना है सिलाई का, अगर आप बिगिनर से सिलाई सीखना चाहते हैं, तो क्लास 1 से वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और प्ले लिस्ट भी बना हुआ है, वहाँ से भी आप जाकर प्ले लिस्ट चेक कर सकते हैं। अब हम इस तरह से पेपर पेस्टिंग वाले कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हम अंदर की तरफ से थोड़ा सा कपड़ा मार्जिन लेते हुए इस तरह से हम काट कर गोल शेप में निकाल लेंगे। अब हम अपने सूट के ऊपर रखेंगे सूट का सीधा वाला भाग, ठीक है। सूट का सीधा वाला भाग और पेपर पेस्टिंग का सीधा वाला भाग अंदर की तरफ होना चाहिए। रखने के बाद अब हम जो हम एक्स्ट्रा कपड़ा जो मार्जिन लेकर काटे थे उसे इस तरह से रख कर बैठा कर हम सिलते हुए जाएंगे। सिलते हुए इस तरह से पेपर पेस्टिंग वाला कपड़ा हम अच्छे से बैठा लेंगे गले में। बैठाने के बाद हल्का हल्का हमें कट लगाना है। ध्यान रखिएगा, आपका धागा कटना नहीं चाहिए। अब हम इस तरह से पेपर पेस्टिंग वाले कपड़े को पीछे की तरफ ले जाएंगे। बिल्कुल भी पीछे चला जाना चाहिए, आगे में दिखना नहीं चाहिए। उसके बाद हम पीछे करके इसे बिल्कुल किनारे पर एक सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने से आपका गला बहुत ही अच्छे से बैठ जाता है। इस तरह से पूरे में आप सिलाई लगा लीजिए एकदम किनारे पर। बहुत ही ध्यान से सिलाई करिएगा, सिलाई आपका कपड़े से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अब इस तरह से हम सिलाई हो जाने के बाद अब हम क्या करेंगे, अपना जो सूट का पीछे वाला पार्ट है उसे हम रखेंगे इस तरह से। और एक दूसरे के ऊपर रखने के बाद हम पीछे वाला जो पेपर पेस्टिंग वाला कपड़ा है उसे हम आगे की तरफ लाएंगे। देखिए, इस तरह से हम दोनों कंधे को एक साथ रखें। उसके बाद हम पेपर पेस्टिंग वाला जो कपड़ा है उसे हम क्या करेंगे, दूसरे वाले कंधे के ऊपर चढ़ा देंगे।
ठीक है। चढ़ाने के बाद अब हम इस तरह से दोनों कंधों को मिलाकर जॉइंट करेंगे। इस तरह से अगर आप जॉइंट करिएगा तो आपका कंधा बहुत ही फिनिशिंग से जॉइंट हो जाता है। अगर आपको सूट की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो देखनी है तो आप देख सकते हैं, मैं बहुत सारी सूट की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो बताई हूँ। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको गला बनाना बता रही हूँ और कंधे जॉइंट करना। तो देखिए इस तरह से बहुत ही फिनिशिंग से आपका कंधा जॉइंट हो गया। अब बस हमें फ्रंट पार्ट में तुरपाई करना है। तो तुरपाई की वीडियो बहुत सारी पड़ी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।